अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देखते रहें और मैं वली निसार। नाज़रीन, कौम के मेमार आज एक बार फिर सड़कों पर हैं, नेशनल प्रेस क्लब के सामने टीचर्स खड़े हुए हैं। नाज़रीन, जो एक पॉलिसी थी वेडलॉक पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान की, उस पॉलिसी में तब्दीली की गई है और वो तब्दीली की गई है पिछले इफेक्ट से। और जो 25-25 साल से उसाज़ा यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर उन्होंने अपना एक सेटअप बना लिया था, रहायशी थे, उसाज़ा के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे, अब उन सब को उसाज़ा को वापस भेजा जा रहा है बग़ैर किसी वजह के। और ये जो तब्दीली की गई है, वो तब्दीली इस तरह की गई है कि जो अफेक्ट डाला गया वो हालांकि प्रोस्क्राइब्ड अफेक्ट ये होना चाहिए था कि ये जो अब नई पॉलिसी है, नई वेडलॉक पॉलिसी जिसको दिया जाएगी, डेपुटेशन दी जाएगी, उसके ऊपर होना चाहिए था। लेकिन ये 25 साल 20 साल 18 साल जो पीछे के अफेक्ट्स हैं वो डाल के ख़वातीन असाज़ा और जो मेल असाज़ा हैं इनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है और जो इनके बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। तो असाज़ा फिर सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। कोई बलोचिस्तान से है, कोई क्वेटा से है, कोई गिलगित से है, कोई केपीके से है, कोई सिंध से है। आइए इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं और कब से यहाँ पर आप यहाँ पर डिप्यूटेड हैं और कितने नौकरी होगी आपकी? मेरा नाम आसिया तनवीर है और मैं पंजाब से आई हूँ और तकरीबन 14.5 साल हो गए मैं इधर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वेडलॉक पॉलिसी के तहत में आई हूँ। तो अब आपको क्या कहा जा रहा है? अब हमें कहा जा रहा है कि आप लोग वापस चले जाएं, अब हम आपको इधर सेट नहीं कर सकते। हालांकि हमसे इन्होंने परमानेंट एनओसी लिए हुए हैं, 2 दफ़ा हमसे परमानेंट एनओसी लिए हैं, पेरेंट डिपार्टमेंट से मंगवाया कि हम आपको यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ परमानेंट। यानी आप ये 2 बार एनओसी भी ला चुके हैं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन उस एनओसी के बारे में क्या कहा, उसको नहीं माना जा रहा जी? आप कह रहे हैं कि वो हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, अब आप लोग वापस चले जाओ। ठीक है, तो नाज़रीन आप देख सकते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं भी सर पंजाब से आई हूँ और वेडलॉक पॉलिसी पे मेरे हस्बैंड जो हैं पिम्स में हैं, तो मेरी बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है, तो वहाँ पीछे मेरा कोई घर भी नहीं है कि अपनी बेटियों को मैं कहाँ छोड़ूँ। पंजाब में कहाँ से? पंजाब में शेखुपुरा से आई हूँ। अच्छा, तो अब बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं आपके? बच्चे मेरी पढ़ रही हैं, तो वो अकेली रह नहीं सकती, तो वहाँ तो मेरा कोई घर। कितना अरसा हो गया आपके? साल हो गए सर इधर। तो वेडलॉक पॉलिसी का आपको बताना चलूं कि ये वेडलॉक पॉलिसी जो अवेल करते हैं, इधर आई थी, जो अवेल करते हैं उनको फिर प्रमोशन भी नहीं होती। अपनी प्रमोशन की कुर्बानी देकर, अपनी प्रमोशन की कुर्बानी देकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और ख़ानदान के लिए यहाँ पर आते हैं जो लोग, और उसके बाद अब ये एकदम से हुकूमत का फैसला है। समझ नहीं आ रही कि ये कौन से हमारे जो जहन बैठे हुए हैं, जो फैसला साजी करते हैं एसी के कमरों में बैठकर, इनको तो लोगों की जो सफरिंग है उसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम आपको अपनी स्क्रीन से इन लोगों की सफरिंग दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से हैं? सर मैं बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में कहाँ से? क्वेटा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको? 12 साल हो गए मैं यहाँ पे वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ आई थी, तो अब एकदम से ऑर्डर जारी कर दिए कि आप तो बच्चे वगैरह आपका यहाँ पे खानदान सेटल है। सही, मेरी बच्ची यहीं मेडिकल में, उसका एडमिशन भी हो गया, मेरी दूसरी बेटी भी यहाँ पंजाब कॉलेज में, उसका एडमिशन जा चुका है अब, और अब एकदम से इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए कि आप वापस जाएं। तो नोटिस घर भेज रहे हैं ये कि वापस जाओ? नोटिस घर भेज दिया। मेरी 2 बच्चियाँ, मैं बच्चियों को छोड़ के कैसे जाऊँ? आपने एनओसी मंगवाया है? एनओसी पेरेंट पार्टी है, सब कुछ है, सब कुछ है। आप कहाँ से? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, ज़िला बाग से। तो मैं 2003 में मेरी शादी हुई थी और मैं वेडलॉक पॉलिसी के तहत यहाँ आई हूँ और मेरे हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, उनका डोमिसाइल भी यहीं का है। और 2013 में हमसे फाइनल एनओसी मंगवाई गई और 2006 में जब एनओसी के लिए मंगवाई गई तो वहाँ मेरी सीट खाली हो गई थी और मेरी जगह दूसरी टीचर्स की अपॉइंटमेंट हो गई थी 2006 में, जिसकी सर्विस को भी 14 साल हो गए हैं और ऑलरेडी वो स्कूल 14 साल से उसी स्कूल में हैं और मेरे हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, उनका डोमिसाइल भी यहीं का, और मेरे बच्चे यहाँ, मेरी बेटी भी मेडिकल में यहीं पढ़ रही है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी में है, तो हमारे घर बार यहीं के हैं। अब हमें बताया जाए कि हम कैसे वापस जा सकते हैं जबकि हमारी पीछे से हमारी सीट भी कवर हो चुकी है, हमसे फाइनल एनओसी भी मंगवाई जा चुकी है और हम ऐसे सारे लोग ऐसे रोडों पर, इन लोगों ने ख्वार करके बाहर हमें निकाला हुआ है। अब हमें बताएं। नाज़रीन आप देख सकते हैं, जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको दिया गया तो इसका मतलब है कि अब इनको जो इनका पेरेंट डिपार्टमेंट है वो भी इनको एंटरटेन नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल मुस्तकबिल जो है उसको तारीख करने की बात है, उस असाज़ा के जो मुस्तकबिल है उसको तारीख करने की बात है। यहाँ पर लोग, मैंने बात करवाई आपकी, 10 साल से कम किसी का भी अरसा नहीं हुआ, कोई 14 साल है, कोई 15 साल है, यहाँ पर मैंने सुना है कि कोई 20 साल से, 20 साल, अच्छा ये हमारे साथ खातून है, ये 23 साल से यहाँ पर। आप कहाँ से आई हैं? जी मैं आई हूँ पंजाब से,
पंजाब से मेरी 91 में जब शादी हुई ना, तो मैं पंजाब से जो मेरी ट्रांसफ़र हुई तो वो मरी में इन्होंने कर दी, भमरोड सईदा गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल भमरोड सईदा में। भमरोड सईदा में जाना बहुत मुश्किल था 94 में, जब मेरी वहाँ पर ट्रांसफ़र हुई तो 3-4 साल कभी गई कभी छुट्टी पर, इस तरह टाइम मैंने गुजारा। उसके बाद मई 98 में वेडलॉक पॉलिसी का ऐलान हुआ, तो फिर मैं वेडलॉक पॉलिसी के तहत अक्टूबर में यहाँ इस्लामाबाद मॉडल मिडिल स्कूल G84 में आई, और अब मुझे यहाँ पे 23 ईयर्स हो गए हैं। 2013 में इन्होंने हमारे सब के तकरीबन परमानेंट NOC भी मंगवा ली, और इन्होंने कहा हम आपको यहाँ पे रख रहे हैं, आप पीछे भी कोई भी नहीं, दो दफ़ा पीछे भी जा चुकी हैं, उन्होंने कहा आपकी सीटें फिल हो चुकी हैं। आप इन्होंने कल या परसों मुझे लेटर दे दिया रिपेट्रिएशन का, अब इन्होंने कहा वापस जाएँ, मुझे बताएं मैं कहाँ। मेरे मियाँ यहाँ रेडियो पाकिस्तान हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में परमानेंट जॉब पे हैं, सरकारी ऑफिसर। नाज़रीन, ये मैंने आपको असाज़ा से बात करवाई, आप देख सकते हैं इससे पहले भी असाज़ा सड़कों पर थे, आज भी ये कौम के मेहमान सड़कों पर हैं। अब कौम का मुस्तकबिल है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमें नज़र आ रहा है। कौम का मुस्तकबिल जब कौम के मेहमान यहाँ पर ही सड़कों पर मौजूद होंगे और उनके मुस्तकबिल को तारीख किया जाएगा, इसका तो यही मतलब है कि कौम का ही मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है। हुकूमत से हम यही गुजारिश कर सकते हैं, जो वज़ीर आज़म की एक समरी है वेडलॉक के ऊपर, वो समरी पर कोशिश की जाए, जो डायरेक्टरेट के जो हमारे ब्यूरोक्रेट बैठ के डायरेक्टरेट में फैसले कर रहे हैं, इनको भी पूछा जाए कि आप कूजी कमरों में बैठ के जो फैसले कर रहे हैं, इन फैसलों का जो अफेक्ट है उसका आपको एहसास है या नहीं है। नाज़रीन, देखते रहिएगा, देखते रहना।